हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका करियर माइंड्स IAS एकेडमी चैनल पे। एक अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि RBI ने बैंक के 200 नोट उन्होंने निकाल दिए। RBI द्वारा 200 रुपए के नए नोट बैंक द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। उसी का PDF, ओरिजिनल PDF RBI के द्वारा जो खासियत बताई गई है, मैं सेम वही PDF लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। वही PDF, कट छांट कुछ नहीं। जो RBI बोला है वो ऑफिशियल है, वही एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो खासियत देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठिए, या फिर इसमें अंडरलाइन करते जाइए, या फिर आप कुछ तो नोट डाउन करते जाइए। इशू कब किया गया? 25th अगस्त 2017, 200 रुपये। मतलब कल से ये नोट आपको मार्केट में मिलने लगेगा। RBI ने इसको आज बता दिया है, अब ये आपको नोट मिलने लगेगा। इसमें एक साइड सांची का स्तूपा है और इस नोट का कलर ब्राइट येल्लो है। ब्राइट येल्लो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें एक साइड में क्या है? सांची का स्तूप। दूसरे साइड में क्या है? गांधी जी का फोटो और 200 का लोगो, 200 रुपये का जो देवनागरी में लिखा है वो। देखिए, सारे फीचर्स सारे नोट के 50, 200, 500 और 1000, उसका एक साइड पूरा कॉमन है। तो उसमें एक साइड अगर हम लोग याद करके चलें तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ अप डाउन होने वाला है नहीं। शायद कुछ भी अप डाउन ना हो, एक साइड पूरा कॉमन है। बस उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है साइड में, ये जो दो दो नंबर ऑफ स्ट्रिप और दो डॉट दिखता है, इसमें फ़र्क आने वाला है बस। क्योंकि वो जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सरलता से आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए ये यहाँ पे उन्होंने मार्किंग दिया है। बाकी उसमें गांधी जी का फोटो वही वैसे ही रहेगा, और नंबर छोटे से बड़े साइज में होंगे। और उसके बाद देखिए, अब मेन फिगर पे चलते हैं। ये मेन फिगर है उसका, देखिए सांची का स्तूप है उस पे, और लिखा हुआ भी है सांची का स्तूप। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, और देखिए 15 भाषा में लिखा है। 200 रुपये, 280 रुपये, ये 15 भाषा में, प्लस इंग्लिश और हिंदी मिला के 17 लैंग्वेज वो इसमें लिखा है। इसमें स्वच्छ भारत, भारत भारतीय रिजर्व बैंक, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये सारे नोट में कॉमन लिखा गया है। साइड में 2017 लिखा गया है, तो ये कॉमन है। अब RBI ने जो साइलेंट फीचर बताया है वो हम लोग पढ़ते हैं। कि RBI बोलता है कि पॉइंट नंबर वन में डिनोमिनेशनल न्यूमेरल 200। दूसरे पॉइंट में बोलता है लेटेंट इमेज विथ डिनोमिनेशनल न्यूमेरल 200। तीसरे में बोलता है डिनोमिनेशन न्यूमेरल 200 इन देवनागरी। चौथे पॉइंट में बोलता है पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर। ये एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का फोटो 200 रुपये, या फिर कौन सा भी नोट रहे, 500 रुपये, 2000 रुपये, या 50 रुपये, या 200 रुपये, सेंटर में है महात्मा गांधी का। पांचवें पॉइंट में माइक्रो लेटर RBI भारत इंडिया 200, इंग्लिश में 200 ये लिखा है। चार पॉइंट लिख लीजिएगा, माइक्रो लेटर में क्या लिखा है? RBI भारत इंडिया 200। 6 पॉइंट में उन्होंने बोला है कि विंडो विंडो सिक्योरिटी थ्रेट विथ इंस्क्रिप्शन भारत एंड RBI विथ कलर शिफ्ट। उसके 7 पॉइंट में उन्होंने बोला है कि गारंटीड क्लॉज, कि जो उसमें बोलता है मैं धारक को 2000 रुपये अदा करता हूँ, गारंटीड क्लॉज ये होता है। गवर्नर सिग्नेचर है प्रॉमिस विथ क्लॉज, वही कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करता हूँ, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करता हूँ, जो ऐसा लिखा है तो वही गारंटेड क्लॉज होता है। RBI का एम्बलम टुवर्ड्स राइट ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट। और एक क्वेश्चन, RBI का एम्बलम किस साइड है? महात्मा गांधी के अपर साइड, डाउन साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड? तो इसमें है किसमें? महात्मा गांधी के राइट साइड में RBI का एम्बलम है। 8 पॉइंट में देखिए डिनोमिनेशनल न्यूमेरल विथ रूपी सिंबल, 200 रुपी इन कलर चेंजिंग इन ग्रीन टू ब्लू ऑन बॉटम राइट। ये पॉइंट नंबर 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
कलर कौन से चेंज होते हैं? ग्रीन टू ब्लू में चेंज हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग इसमें कुछ भी मतलब डाल देते हैं कि ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, वाइट टू रेड, ऐसे। हमको याद रखना है ग्रीन टू ब्लू होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, महात्मा गांधी पोर्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोटाइप 200 वाटरमार्क। जो ब्लैंक दिखेगा ना, वो पॉइंट नंबर 10 का खासियत है कि महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट वाटरमार्क और इलेक्ट्रोटाइप। और 11 नंबर पॉइंट में कि ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग ऑन द टॉप लेफ्ट साइड एंड बॉटम राइट साइड। जो न्यूमरल मैंने आपको बताया कि छोटे से बड़े हो रहे हैं, जो 000 लिखा है, आपको बताऊं यहाँ पे, अगर ये देखिए यहाँ पे ये 00 लिखा है लास्ट में नीचे, और गांधी जी के ऊपर देखिए वहाँ पे भी 00 लिखा है। तो स्मॉल से लार्जर साइड में बड़े हो रहे हैं, ओके। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, इंटेंग्लियो और रेज प्रिंटिंग ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, अशोका पिलर एम्बलम, रेज आइडेंटिफिकेशन मार्क एच विथ माइक्रोटेक्स 200, फोर एंगुलर ब्लीड लाइन्स विथ टू सर्कल इन बिटवीन द लाइन्स बोथ ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड्स। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो कि दिव्यांग हैं, उनके लिए देखिए एच यहाँ पे लिखा गया है, एच। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर 200 की नोट किसी विजुअली इम्पेयर्ड को पहचानना रहेगा, आपको बताना रहेगा किसी विजुअली इम्पेयर्ड को कि 200 का नोट है, तो कैसे पहचानेगा? तो वहाँ पे एच लिखा है और दो लाइन लिखी है, दो लाइन का मार्क है, बीच में दो डॉट है, इसका मतलब वो 200 रुपये का नोट है, ओके। उसके बाद देखिए रिवर्स में, ईयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द नोट ऑन द लेफ्ट, स्वच्छ भारत लोगो स्लोगन, लैंग्वेज पैनल, मोती ऑफ सांची स्तूप, और डिनोमिनेशन न्यूमरल 200 इन देवनागरी। अगेन डायमेंशन, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया था किसी नोट का कि उसका डायमेंशन क्या था, तब इस नोट का डायमेंशन उन्होंने खुद हाईलाइट किया है 66 mm × 146 mm, ओके। और चीफ जनरल मैनेजर जोश जे कतूर, उनका सिग्नेचर है। तो ये 200 की नोट की खासियत है, ओके। इसी तरह इसी तरह 50 के भी नोट है, मैं उसको इसी पीडीएफ में कवर करने की कोशिश करूँगा। ये रहा 50 का नोट, ये 50 के नोट का खासियत रहा, इसको भी चलिए देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 50 के नोट में क्या है, उसमें हम्पी विथ चैरियट, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम्पी का जो रथ मंदिर है उसको रथ मंदिर बोलते हैं। आप चैरियट वेरियट उसको भूल जाइए, शुद्ध हिंदी में बताता हूँ, जो कि आम भाषा, जो कि समझे लोगों को, उसको बोलते हैं रथ मंदिर, याद कीजिए। उसको देखेंगे स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो रथ के देखिए ये रथ का स्ट्रक्चर दिख भी रहा है, इसको बोलते हैं रथ मंदिर। इसका कलर कौन सा है, फ्लूरोसेंट लाइट, ओके। 200 का नोट में क्या है, सांची का स्तूप, कलर येल्लो टू सॉरी ब्राइट येल्लो है वहाँ पे इमेज में। और देखिए इसमें जैसे वहाँ पे आरबीआई भारत इंडिया 50, वहाँ पे था आरबीआई भारत इंडिया 200। पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी सेंटर में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, गवर्नर का सिग्नेचर और प्रॉमिस क्लॉज, और उसमें जो ज़्यादा करके खासियत वहीं पे है 200 में। यहाँ पे आरबीआई ने उसका कुछ ज़्यादा खासियत नहीं बताया, आरबीआई ने इसमें ये भी नहीं बताया है कि विजुअली इम्पेयर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन 200 के नोट में बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड एच से आइडेंटिफाई करेंगे, एच मार्क। उसके बाद इसमें डायमेंशन देखिए 66 mm × 135 mm, वहाँ पे क्या है 66 mm × 146 या 145 mm, ऐसे है। हम्पी विथ चैरियट मतलब रथ मंदिर, ओके। तो ये दोनों नोट की खासियत है। हो सकेगा इस वीडियो को बस दिन में 2 बार देख लीजिएगा, 1-2 दिन देखिए याद होएगा, एग्ज़ाम में जाने के पहले भी इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, बस ख़त्म। नोट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके हाथ में रहेंगे, खास करके IBPS PO, जो भी ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो भी मतलब जो भी फाइनेंशियल एग्जाम होने वाले हैं, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप मार्क करके रख लीजिए, स्टार कुछ करके रख लीजिए, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए कि यह वीडियो आपको देख के जाना है। तो
इस वीडियो में इतना ही। अगर आरबीआई और कुछ खबरें निकालता है और कुछ नोट निकालता है, कैंसिल करता है, आरबीआई की और कुछ न्यूज़ हैं या फिर कहीं और कोई न्यूज़ आती है, तो मैं उसको टैकल करूँगा और उसके लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को देखिए, समझिए, कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।